हेलो प्यारे बच्चों, व्हाट इज नेक्स्ट में आज अपन बात करने वाले हैं चैप्टर स्टैटिस्टिक्स के बारे में। इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज जो है वो अपन रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन बच्चों डिस्कस करते हैं कि यार x1 से लेकर xn तक n वैल्यूज ऑफ वेरिएट्स है, तो इनके मीन का क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। जल्दी से आप रिकॉल करें कि यार इसके मीन का क्या फॉर्मूला अपन ने पढ़ा हुआ था, व्हाट इज नेक्स्ट। और बच्चों आंसर आपका आने वाला है समेशन ऑफ xi इज इक्वल टू 1 टू n डिवाइडेड बाई n, यानी कि सारे ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जल्दी से रिकॉल करेगी यार मॉड कैसे निकालते हैं, अगर n वैल्यूज अपने को वेरिएट्स की दे रखी है तो मॉड कैसे निकालेंगे। एंड द आंसर इज कि भैया जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वो अपना मॉड हो जाएगा। जल्दी से बच्चों रिकॉल करेगी यार मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है, अगर इन n वैल्यूज़ को आपने अरेंज करा है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तो मीडियन कैसे निकाल सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो मीडियन आपका आ जाएगा मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, यानी कि अगर 5 ऑब्जर्वेशन है तो थर्ड वाला आपका मीडियन हो जाएगा, 11 ऑब्जर्वेशन है तो सिक्स्थ वाला मीडियन हो जाएगा। बच्चों अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो मीडियन कैसे निकलेगा, जल्दी से रिकॉल करें व्हाट इज नेक्स्ट। एंड द आंसर इज कि यार बीच वाले दो जो हैं उनका सम डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे, यानी कि उनका एवरेज निकाल लेंगे। 10 ऑब्जर्वेशन है तो 5 और 6 का एवरेज निकाल लेंगे, वो आपका मीडियन हो जाएगा। जल्दी से रिकॉल करें कि यार रेंज कैसे निकालते हैं, इतने सारे वैल्यूज हैं अपने पास वेरिएट्स की, एन वेरिएट्स है, इनकी रेंज क्या होगी, जल्दी से रिकॉल करें। बहुत ही सिंपल है, आंसर इज L-S, यानी कि लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। जल्दी से सोचिए यार कोफिशियंट ऑफ रेंज क्या होता है, जल्दी से रिकॉल करें कि कोफिशियंट ऑफ रेंज का क्या फॉर्मूला होता है, व्हाट इज नेक्स्ट। और बच्चों आंसर है L-S डिवाइडेड बाय L+S, L मतलब लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन, S का मतलब स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। जल्दी से सोचते हैं कि यार नेक्स्ट क्या फॉर्मूला अपन ने पढ़ा हुआ है, मीडियन या मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या होता है, इन सारे ऑब्जर्वेशन का मीन डेविएशन, जल्दी से रिकॉल करें क्या फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, व्हाट इज नेक्स्ट। और बच्चों आंसर है समेशन ऑफ xi माइनस a का मॉड डिवाइडेड बाय n, यानी कि हर ऑब्जर्वेशन में से a को सब्ट्रैक्ट करना है और इनका डिफरेंसेस जितने आते जाएंगे सबको ऐड करके डिवाइड बाय n करना है। अब a का क्या मतलब है, मीन डेविएशन अबाउट मीन पूछेगा तो एक ही जगह मीन रख देंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पूछेगा तो एक ही जगह मीडियन, और अबाउट मॉड पूछा जाएगा तो एक ही जगह मॉड हो जाएगा। जल्दी से बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूला रिवाइज करते हैं कि वेरियंस कैसे निकाल सकते हैं, इन एन वैल्यूज का अगर वेरियंस निकालना हो तो क्या फॉर्मूला पड़ा हुआ है, व्हाट इज नेक्स्ट, जल्दी से रिवाइज करें। बिल्कुल सही, the answer is summation of xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, यानी कि हर ऑब्जर्वेशन में से मीन सब्ट्रैक्ट करते जाओ, वैल्यूज आती जाएंगी उनको स्क्वायर करके ऐड करते जाओ, डिवाइड बाय n कर दो। या इसी फॉर्मूले को लिखने का दूसरा तरीका है कि सारे ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम करो डिवाइड बाय n, माइनस जो आपने मीन निकाला हुआ उसका स्क्वायर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। जल्दी से सोचो यार स्टैंडर्ड डिवीजन का क्या फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है, जल्दी से रिकॉल करें। एंड द आंसर इज बहुत सिंपल है कि यार वेरियंस जो आपने निकाला है उसका स्क्वायर रूट कर दो तो आपको स्टैंडर्ड डिवीजन मिल जाएगा। जल्दी से सोचो स्टैंडर्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है, जल्दी से रिकॉल करें व्हाट इज नेक्स्ट। एंड द आंसर इज सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्स बार, यानी कि जो स्टैंडर्ड डिवीजन उसको मीन से डिवाइड कर दो, आपको कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन मिल जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, जल्दी से रिकॉल करें क्या फॉर्मूला पड़ा हुआ है, बहुत ही सिंपल है बच्चों, जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर अपन, तो अपने को परसेंटेज में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मिल जाता है। थैंक यू।